एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल मेरा स्टार्ट किया था तभी एक दो साल के बाद कुछ एक फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे का मुझे ऐसे मैसेज आया कि मैम मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में हूँ। उसने अपना डिवीजन, अपना रोल नंबर सब दिया था मुझे। ओके, तो मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ और मुझे मेरे जो घर में मेरे पेरेंट्स हैं वो लोग कहते हैं कि इसका दिमाग थोड़ा कम है, इसको समझ में नहीं आता है। ओके, और फिर उन लोगों ने उस बच्चे का आईक्यू भी चेक कराया। ये बच्चे ने मुझे मैसेज किया है, उसने उसके जो पेरेंट्स है उन लोगों ने उस बच्चे का आईक्यू भी चेक कराया। तो डॉक्टर ने जब उसका आईक्यू चेक किया ना तो उसने बोला कि हाँ आपका जो बच्चा है उसका जो ब्रेन है ना वो 70% बराबर है, जरा 30% उसमें कुछ है प्रॉब्लम, क्योंकि वो इसकी वजह से वो ग्रास्प नहीं कर पाता, इसके लिए वो पढ़ाई में पीछे है, ठीक है। अभी ये जो बच्चे का कमेंट आया था वो मैं पढ़ती थी, लेकिन इसका अगर आप कंक्लूजन सुनोगे ना एंड तक का तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो जब बच्चे ने मुझे ये लिखा कि मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ और आपके वीडियोस देखकर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और आपने जो भी सिखाया हुआ है वो मुझे सब समझ में आता है और इस साल मैंने स्कूल में टॉप भी किया हुआ है, ठीक है। अभी बात ये नहीं है कि उसने स्कूल में टॉप किया मेरे वीडियोस देख के। अभी बच्चे का कंफ्यूजन क्या है, अगर आपके वीडियो मुझे समझ में आते हैं, मैं पढ़ाई करके मैं टॉप कर सकता हूँ, तो फिर मुझे मेरे घर में लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरा दिमाग बराबर से काम नहीं कर रहा है, फिर डॉक्टर ने भी इस तरह से रिपोर्ट्स क्यों दिए हैं कि मेरा दिमाग बराबर से काम नहीं कर रहा है। तो ये बात के लिए मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। फिर मैंने उस बच्चे को रिप्लाई भी किया कि बेटा ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर आपने टॉप किया है तो आप एब्सोल्युटली नॉर्मल हो और आप टॉपर हो, तो टॉपर लोगों का दिमाग कम कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह से मैंने वो बच्चे को रिप्लाई किया था। अगर आप देखना चाहते हैं ना वो मेरे कमेंट में जाइएगा और आप लोग जाकर देख सकते हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का वो बच्चा, देखो उसको यानी इतनी सारी बातें वो लिख पा रहा है, मुझे वो बता रहा है कमेंट करके ये बातें। तो आप कैसे कह सकते हो कि इस बच्चे की आईक्यू कम है। और एक बात मैं पेरेंट्स लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी भी अपने बच्चों को ना किसी के भी सामने अंडर एस्टिमेट मत करना। क्या हो जाता है, वो बच्चों का जो मोरल होता है ना वो डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर उनका अपने आप के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। मैंने देखा है मम्मी लोगों को स्पेशली कि अरे उसको तो कुछ समझता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, टीचर हमेशा उसके बारे में कंप्लेंट ही करते रहते, हमेशा अपने बच्चों के बारे में नेगेटिव ही बातें करते रहते। पता नहीं उन लोगों को क्या प्राउड फील होता है अपने बच्चे के बारे में नेगेटिव बात करने में। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। भले बच्चा आपका पढ़ाई में कमजोर हो, भाई हो सकता है ऐसे भी कि मैं नहीं ऐसे कहती हूँ कि सब टॉपर ही होते हैं करके, लेकिन उनको एनकरेज किया कीजिएगा, आप बेटा कर सकते हो, आपके स्कूल में वो जो बेटा है जो हमेशा वो टॉप करता है, आपका वो जो दोस्त, तो वो टॉप कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं टॉप कर सकते। तो इस तरह से ना पॉजिटिवली अपने बच्चों को आप प्लीज एनकरेज किया कीजिएगा, तो आपके बच्चों में भी बदलाव आप लोगों को जरूर यानी जरूर दिखाई देगा। और देखिएगा 8 ही दिन में आपको बच्चों में फर्क दिखाई देगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या डिफरेंसेस आए हैं आपके बच्चों में। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पते की ये बात है। मेरे चैनल का नाम है शालिनी हुबलीकर, जिसमें मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को एब्सोल्युटली फ्री में पढ़ाती हूँ। और जो स्पेशली नॉन मराठी बच्चे हैं, जैसे क्रिश्चियंस हैं, मोमेडियन बच्चे हैं, उन लोगों को मराठी और हिंदी जो सब्जेक्ट है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट भी मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखाए हुए हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ओके, तो चलो देन
मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। टिल देन बाय बाय।